Bet you never know. Say we have the power, but there's things we touch the road. Tell them say we ready, clip them on the cut, she load. She don't know, say we no regular. Anything we ready for. Bet you never know. Bet you never know. Nah, go take no talk, I beg no pardon, that's for sure. Bet you never know. Bet you never know. We are like the badness. We are like the globe. Bet you never know. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज लेकर आए एक कम्प्लीट मॉडिफाइड कैफे रेसर, आप लोग कह लो या कुछ भी कह लो, सस्ता कैफे रेसर कह लो। और ये वाला पल्सर 180 को काट वाट कर हम लोगों ने बनाया है, और ये वाला मॉडिफिकेशन हुआ है इमरान अंकल के गराज में। तो आप लोग को यहाँ पे दिख सकता है ये वाला छोटा सा मास्टर पीस, या फिर आप लोग कुछ भी बोल लो यार, इसको क्या कह सकते हैं, सस्ता कैफे रेसर। उधर से हसन बोल रहा है। और ये वाला का कंप्लीट आज आप लोगों को बताएंगे इसमें क्या क्या हुआ है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लग रहा है, ये क्या लग रहा है, और सारा प्राइसिंग वगैरह सब कुछ बताएंगे इसका, क्योंकि इसका तो प्राइस वगैरह जो लगा है वो आपको मैं बताऊंगा ही। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाड़ी कैसा लग रहा है आपके हिसाब से? मस्त, बहुत अच्छा। ये तो अभी और इसमें मॉडिफाई होगा, लेकिन अभी वीडियो बना ले रहे क्योंकि जिसका है वो शायद लेके निकल जाए। तो देखो यार, कंप्लीट भले ही हम लोग को ख़राब लगे, लेकिन जो बजट फ्रेंडली आदमी है उसको सही सही लगेगा। तो भाई आप लोगों ने जो सिनेमैटिक में देखा होगा थोड़ा बहुत, और ये वाला कंप्लीट समझ जो आप लोग पहले सोचोगे किसका इंजन लगा हुआ, तो पहले इंजन देख लो भाई, बजाज DTS है, मतलब 180 का इंजन है। और बाकी मीटर वगैरह भी देखकर आप लोग समझ जाओगे 180 का इंजन है। बाकी इस पर हैंडल वगैरह भी वही पुराना पल्सर 180 का लगा, लेकिन उसको भी मॉडिफाई किया गया। तो पीछे आप लोग को मैं सब कुछ A to Z सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में। तो फ्रंट से अगर शुरुआत करेंगे, फ्रंट हेडलैम्प वगैरह तो आप लोग देखोगे ही, ये हेडलैम्प नया लगा है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा इंडिकेटर लगा हुआ है। सस्पेंशंस वही 180 के थे, उनमें रबर ये लगाया गया है। टायर्स वगैरह भी वही है। फ्रंट में डिस्क एंड ये पोर्शन भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके लगाया, इतना पोर्शन, और ये बस ऐसा जाली लगा दिया गया है जस्ट शो के लिए। अभी इसमें और वर्क बचा है कि आपको मडगार्ड वगैरह लगेगा, पेंट वगैरह और होगा। ये अभी तो पल्सर 180 का ही टैंक है। सीट वगैरह की बात करें तो सीट भी छोटा इसमें अटैच किया गया, कस्टम मेड। और इस साइड भी जितना चैसी वगैरह है सब आपका पल्सर 180 का ही है। और एग्जॉस्ट M4 का लगा, तो ये बहुत ज़्यादा ही लाउड एग्जॉस्ट है, ये भी आप लोग को दिखाएंगे। बाकी बात पीछे टेल भी मॉडिफाई हुई है, छोटा सा जो ये हेडलैम्प आता है वो लगा हुआ है, जैसा आप लोग देख लो। और पीछे से लुक इसका काफ़ी सही आ रहा है, क्योंकि कैफे रेसर टाइप का बनाने का सोचे थे, उसी टाइप का बन ही गया है लगभग लगभग। सस्पेंशंस वगैरह पुराने ही पल्सर 180 के। हगर वगैरह देखो KTM का लगा हुआ है, तो KTM का मार्क यहाँ दिख जाएगा आपको। और टायर्स वगैरह भी वही टायर्स न्यू इंस्टॉल हुए हैं, मोटे ग्रूव वाले, कि पुराने ये तो मेरे को शॉप में जाने के बाद पता चलेगा। और बाकी बात इससे एक बार स्टार्ट करके आप ज़रूर सुनाएंगे आप लोगों को। हैंडल में एक चेंज है कि हैंडल में इतना पार्ट देखो एडिशनल लगा है, ये जो L टाइप का बना है इसे थोड़ा काट वाट के लगाया गया। तो चलो इसका एक बार एग्जॉस्ट नोट लेते हैं। और हैंडल में एक और कुछ है जो ये हैंडल बार मिरर है, तो बाकी बात इसका शॉप पहुँच के ही पता चलेगा। अभी एक बार स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए माइक में भी खोलना पड़े क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा फटके आएगा। ये इसका इनिशियल साउंड है, पर माइक खोल लेते हैं फिर आप लोगों को सुनाते हैं इसका आवाज।
और ये ऐसे नॉर्मल आ रहा ना, लेकिन ड्रेव करने में बहुत ज्यादा बहुत आ रहा है। हेलमेट माउंट करते हैं और माइक वगैरह तो लाना भूल गए, बैग में है नहीं, तो अभी ऐसे ही जाना होगा। माइक लाना भूल गए तो आवाज़ नहीं आएगा, लेकिन इसका प्योर साउंड हो जाएगा, क्योंकि यार गोप्रो बाहर रहेगा हेलमेट का और माइक अंदर रहता है। चलो माइक लगाते हैं, मतलब माउंट करते हैं, फिर आगे बढ़ते। थैंक यू हसन भाई, शुक्रिया भाई, हमारा कैमरा दे दो, हमें फ़ोन दे दो, अब घर निकलते हैं इसको लेके, मतलब जहाँ से उठाएँ। पीछे से पता है एक बार मुझे चला के देखना था, पता है इसका चाबी यही वाला है जैसा RS वाला है, और आवाज़ थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा होगा क्योंकि माइक लगा हुआ नहीं है, तो कंप्लीट प्योर साउंड आएगा। रुजा पहले हम निकल जा रहे हैं, M4 का एग्जॉस्ट, बाकी हैंडल वगैरह देखते हैं चलाने में कैसा लगता है। आवाज़ थोड़ा सा लो आएगा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन भाई चलाने में जैसा कैफे जैसा वाला फील तो आ ही जा रहा है। वगैरह भी काफ़ी सही वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मॉडिफाइड बाइक है यार, तो सब कुछ ढीला ढाला लग रहा है, सब कुछ सही ही लग रहा है, अच्छे से मॉडिफाई हुआ है। सिर्फ टैंक और चैसी है और टायर्स वगैरह आप समझ सकते हो, ब्रेक्स वगैरह समझ सकते हो, पल्सर 180 का, बाकी कंप्लीट मॉडिफाई हुई है। और हैंडल बार का जो मिरर है वो पोजीशन खाली देखने में अच्छा लग रहा है, बाकी व्यू तो नहीं दे रहा भाई। मार्केट में देखते भैया क्या रिएक्शन आता है, सब तो घूम घूम के देख ही रहे हैं। और यहीं स्टेशन रोड पे दुकान है इमरान अंकल का, वहाँ चलते हैं, थोड़ा बहुत वो भी बता देंगे कि क्या इस पे लगा है क्या नहीं लगा है। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा लाउड, चलाने में सही लग रहा है, पता है चलाने में बहुत मज़ा आ रहा, लेकिन वही ये जो देख रहे हैं ना इधर ही ना, ये पता नहीं बार बार क्यों लग रहा कहीं अटक रहा, लेकिन शर्ट वर्ट नहीं रहा, ये और आगे जाएगा भाई इसलिए क्या। और इसमें क्या क्या चेंज किया अपने बताइएगा आप इसमें? हाँ हैंडल चेंज किया, हैंडल तो ये तो स्टॉक होगा ना पल्सर का, सिर्फ ये लगा है नया इतना पार्ट, और नीचे जाली लगा हुआ, तो ये वाला पार्ट नया होगा। हाँ, ये वाला नया है, ये वाला सिर्फ एडिशनल लगा है। हाँ, शो के लिए। और सीट नया लगा, पीछे कटा है, और ये तो KTM का है, और बाकी ये M4। चलो कितना लगा, पैसा कितना लगेगा इस पर अगर कोई करवाएगा तो? कराएगा लगभग 20-22 हज़ार। 20-22 हज़ार। इंडिकेटर वगैरह अलग लग रहा है, ये तो दोनों ही सारा अलग लगा। इंडिकेटर किसका है जी, कौन सा गाड़ी का है ये? मोटिफाइड इंडिकेटर आता है, छोटा छोटा एकदम सही, अच्छा लग रहा है चलाने में, ऐसा कुछ नहीं लग रहा आराम से चला, तो सीधा सही चल रहा है, बस वही हैंडल जो मुड़ता है ना उसमें थोड़ा डिफरेंस। और टायर कौन सा है, नया हुआ लगाया क्या? टायर वही है। आपको वीडियो पसंद आया होगा, आज वाली कैफे रेसर टाइप का जो बाइक था यार, कुछ भी बोल लो, देखो जिनका बजट लो रहता है, जो कॉन्टिनेंटल GT नहीं अफोर्ड कर सकते यार, वही लोग करते हैं ऐसा काम। आप लोग अब मत किसी को जज करो भाई, जिसका जैसा सुटेबल रहता है वो वैसे ही करता है। चलो वीडियो करते हैं एंड, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, बाकी इमरान अंकल का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, और स्टेशन रोड में उनका शॉप है। चलो वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।